नमस्कार, मुझे होची हाईटेक मेडिकल कॉलेज रा 6 सेमेस्टर रा गोटे छात्री। एबे आमे ग्रेजुएशन वीक पालन करूचु। आमे जेहेतु जानीचु कि विभिन्न प्रकार रा वैक्सीन दे आमे लोकंकु रोगमुक्त करै पारिबु, किंतु किछि लोकंकर भूल धारणा एया जे वैक्सीन नेले सेमानकर अधिक रोग होइ जाय। आउ आमे एबे गोटे ड्रामा जरिया रे लोकंकर भूल धारणा को दूर करिया चाहौचु। अरे सुनो हो, आशा दीदी कोन कहउथिले आमे पिलंकु वैक्सीन देबा पई? मु त वैक्सीन देबा चाहू नाही। मुँ भी चाहूनी, कहीं आमे पिला को वैक्सीन देला तार केते प्रकार रोग है, ताको ज्वर है, झाड़ा है, बांती है, मुँ चाहूनी मो छुआ को आउरी असुविधा हो। से वैक्सीन दे किसी लाभ नाई, आम पिला भी वैक्सीन नहीं, सी भी गड़ुची, जी वैक्सीन सी भी गड़ुची, क्या किसी तो फरक बता देखा जाऊ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपण को कोन असुविधा होची? आपण पिलाटा को वैक्सीन दबा को मना काहे करूचंती? दीदी देखंतु, आम पिला को वैक्सीन देला परे ताकु ज्वर झाड़ा बांटी बहुत हेछे, आ मु चाहूनी से पुणी आउथरे से सब जिनसरे पीड़ित हो। आपण टिके मो कथा सुनंतु, पिलाटा को एबे वैक्सीन दियंतु ताहाली से बड़ हेला परे सुरक्षित रहिबो, नहले बड़ हेला परे ताकु बहुत असुविधा हबो, से रोग रे घांटी हबो, ता सहित आपण भी घांटी हेबे, आपण घांटी हेबे, पैसा खर्च हबो, पैसा तो खर्च हबो ता सहित मन भी कष्ट हबो। आपण अमर गायर राम विषय तो जानिथिबे, से पोलियो रोग रे बे घुसाड़ी घुसाड़ी ही जीवन जापन करुची, से वैक्सीन नै नथिला। आपण आपण पिला को वैक्सीन दियंतु, पिला बड़ हेला परे सुरक्षित रहिबो। नमस्कार डॉक्टर बाबू। कौन असुविधा है जी कोंतु? डॉक्टर बाबू, ए दी जण बापा मा तांको पिला को वैक्सीन दबा को मना करचोती, तांको असुविधा होची, आपण तांको टी बुझे दियंतु कि तांको पिला को से वैक्सीन देबे बोली। आज्ञा शुणु, आशा दीदी ठीक कौन, वैक्सीन यही समय छुआ को दवा निहाती दरकार। कौपाई आजिकल जो रोग होती टीबी निमोनिया, आजिकल वैक्सीन ने निहाती दरकार, जो कि मैंने छुआ को छुआ बड़ स्ट्रंग कर, तो वैक्सीन निहाती दरकार। डॉक्टर साहब मुझ तो बुझिली जे, बट मु तो गोटे दिनकिया मजदूर, मुझे पैसा आने वैक्सीन देवाई तो बहुत कष्ट महंगा पड़े। तो शुणु, भारत प्रोग्राम द्वारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छी, तो आपण को भी मानने हॉस्पिटल को जाकि वैक्सीनेशन कार्ड पर आशा दीदी मागिक वैक्सीनेशन नहीं पारे, जोटा कि मागणा। हाँ बट मुमती जी मुझे सब बाहर रोचे, कौटी ने मैंने मुझे भले बाहर रोचे, मो स्त्री कमी कौटे जी आपत जोाजोग करेंगे, आप हस्पिटाल पाखे थी, यूपीएससी थी, से आप जोाजोग कर वैक्सीनेशन नहीं पारे मागणा। हॉस्पिटल रे, अंगनवाड़ी केंद्र रे, आपण को वैक्सीनेशन कार्ड टा मिली परिबो। देखंतु हाईटेक मेडिकल कॉलेज रे आपण शिशु मानक पय वैक्सीनेशन फ्री दिया होची, आ आउ निहाती स्वास्थ्य केंद्र रे आशा दीदी वर्कर थारु आपण जोगाजोग करी हाईटेक मेडिकल कॉलेज रे आसंतु, आपण को वैक्सीनेशन फ्री ती दियाबो शिशु मानक पय, आउ आपण को वैक्सीनेशन निहाती दरकार शिशु मानक। ओ, वैक्सीन हो। अरे बापा, मैं तो इतने बयस है, तुम्हें कौन वैक्सीन नब, कौन दरकार वैक्सीन नब? अरे पुआ बुझुनु तू, आम दिन सुदाम नहीं सुदाम, हाँ हाँ। ता बड़ दादा कल बहुत जोर देह खराब था, पूरा जोर वर एक खासु था पूरा, हाँ। हॉस्पिटल नहीं गले, मुझे सुदाम तो दांड रे कथा होती, सी कहला कौन ना ताको जो सुदाम नुह सुदाम बड़ दादा कोविड है, कोविड डॉक्टर कौन कहले कि जदि समय टीका नहीं थे एत गुरुत्व अवस्था नहीं था, वो मतलब तो बहुत डर मारुच्छे। देख मोर तो बयस है, बापा माँ भी आम अच्छा, जदि किसी है किए संभाल। अरे बापा तुम्हें तो चिंता क्या कर, तुम्हें भी सुस्थ अच मु भी सुस्थ अच्छे, क्या कमे कोविड कमे सहयोग हे? हाउ मुझे जान तू बुझुनि, गोटे काम कर डाक्टर पाक जा। ठीक अच्छे बापा, चलो डॉक्टर नमस्कार। कौन असुविधा है कहतु? सर मो बापा कहुतन जे तांको पुनी वैक्सीन लगेर जे एई बयस रे कोन वैक्सीन लगाय सिमति कि जे जरूरी अछि, तांको पागल पागल हो जाय छन ना कोन? निहाती वैक्सीन नवा जरूरी है, समय रे बूढ़ा काल जहाँ भी हेले वैक्सीन नवा जरूरी, कोन पे एई समय जो महामारी रोग होउछि निहाती वैक्सीन दरकार। आगे हम कोन सुनली ए जो कोविड हिची बहुत टोका लोका भी मर जासंती, आउ बॉयस लोग भी बहुत मरुचंती, तो यहाँ पे कौन करेगा, को टीका नवा ठीक हो कौन? कोविड पाई वैक्सीन आमर हे सारी कोविशील्ड कोवैक्सीन आपण जोगाजोग कर पारे नियर हॉस्पिटल जोगुरु, तो आपण टीका नहुंतु जोड़ा कि आपण पाई भलो रहइबो, आपण सुरक्षित रहइबे, तो आपण इम्युनिटी भी बढ़िबो, तो आपण वैक्सीन नवा निहाती जरूरी दरकार।
ଆଉ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଦରକାର ନା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଖାଲି ବି ପି ହେଇଛି କିମ୍ବା ସୁଗର ହେଇଛି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ନେବେ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲୋକ? ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଦରକାର, ବୁଢ଼ାମାନେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଆଡଲସେଣ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବେ, ଛୁଆମାନେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଛି, ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ତ ଆପଣ ନିମକକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ତା'ପରେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ତିନି ଥର ବର୍ଷକୁ, ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଆସୁଛି ତ ଯେଉଁଟାକି ମାଗଣା ବି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ନେଇପାରିବେ, କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଯେଉଁ ପିଲାବେଳେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଟୀକା ଲଗାଉ, ତାହେଲେ ତାର ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ଅଛି, ତା ଫାଇଦା କ'ଣ? ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବେ ବି ଉପଲକ୍ଷ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏତେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଆପଣ ଏବେ ବି ନିହାତି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ବୟସରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବି ନେବା ଦରକାର ସବୁ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି, ତ ନିହାତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଜରୁରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, BCG ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କାରଣ କୌଣସି ବି ଆଶା ଦିଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଠାରୁ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ୱିକ୍ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏପ୍ରିଲର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ଫ୍ରମ୍ 24th April ଟୁ 30th April, ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ବୟସ୍କ ଏବଂ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ହିପାଟାଇଟିସ୍ ବି, କାର୍ସିନୋମା ସର୍ଭିକ୍ସ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ନିମୋକୋକାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଯାହାର କୋମର୍ବିଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଆଜମା, ଏନି କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠାରେ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ନିମୋକୋକାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ TD ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ହିପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଏକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ବିଶ୍ୱ ଟୀକାକରଣ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଫ୍ରମ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଟୁ ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ପପୁଲେସନ୍, ସମସ୍ତେ ଟୀକାକରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଣ୍ଡ ଏହି ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଏ ବିଗ୍ କେଚ୍ଅପ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଏଇ ପବ୍ଲିକରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଯେ ଟୀକାକରଣ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।